सो गाइस 100% प्रूफ के साथ आज चला के दिखाने वाले हैं GTA 5, वो भी मोबाइल में। तो यार देखो, लोडिंग स्क्रीन देख सकते हो, कुछ इसी तरीके से लोड होता है GTA 5। जिसको नहीं पता भाई देख लो। और यार देखो, इसको लोड होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो थोड़ी सी वीडियो को करेंगे फास्ट फॉरवर्ड, ताकि भाई आप लोगों का टाइम बचे और थोड़ी लोडिंग भी यार जल्दी हो जाए तो अच्छा ही है। तो भाई देखो, इसको देखो यार, स्टार्ट हो रहा है और मोबाइल में खेल रहे हैं भाई। ये कंट्रोलर्स वगैरह देख सकते हो, इस तरीके के कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। ये वैसे कंट्रोल्स की अगर बात करें तो भाई ये नॉर्मली कंट्रोल्स हैं, जो वैसे होते हैं कंट्रोलर में, यानी गेम पैड वगैरह में जो होते हैं, तो वही वाले इसमें बटन से सारे। तो देखते हैं भाई कितने FPS मिल रहे हैं इसमें और किस किस तरीके का सीन देख। देखो भाई, मूव बिल्कुल सही कर रहा है, मतलब भाई मुझे लग रहा है पूरे 60 FPS आ रहे हैं। खैर अभी हमने FPS मीटर लगा तो नहीं रखा, पर स्मूथनेस से आप पहचान सकते हो पूरे 60 FPS ही लग रहे हैं। तो ये भाई आपको पता ही होगा, अभी ये GTA 5 का स्टार्टिंग वाला सीन है, यहाँ से ये गेम स्टार्ट ही होता है बैंक से। तो भाई देख सकते हो, इसको गोली मार दी भाई गलती से। और यार ये एक सीन हो रहा है, लोग मतलब जो होते हैं, तो काफ़ी सारे बंदे भाई इसका डेमो वर्जन चला के दिखा देते हैं, जो कि डेमो वर्जन भाई किसी ने बना रखा है, फैन मेड डेमो वर्जन है, जो कि भाई इतना ही चलता है, मतलब यहाँ तक ही चलता है। वो इस मिशन को कंप्लीट भी नहीं कर पाते भाई, बाहर भी नहीं जा पाते, मतलब बैंक के अंदर अंदर ही चलता है वो। तो यार देखो, ऐसा बिल्कुल सीन नहीं है, इसको पूरा चला के दिखाएंगे और फिर आप खुद ही देखना ये डेमो वर्जन है या फिर रियल GTA 5 है। तो ये देखो यार, देखो अभी एक दिक्कत आ रही है अपने साथ, आप लोग देख ही सकते हो, अपने कंट्रोलर में की अवेलेबल नहीं है, जो भाई प्रेस करनी होती है फ़ोन को ऑन करने के लिए। तो भाई इसके लिए मैंने कंट्रोलर की मदद ली है, जो अलग से मैंने एंड्रॉइड में लगाया कंट्रोलर, तो उससे भाई कर लेता हूँ मैं इसको कॉल। तो भाई देखो, एक इसका डिसएडवांटेज ये है, गेम तो चला सकते हैं इसमें, कोई बड़ी बात नहीं है गेम चलाना, पर दिक्कत भाई की गई है, कीज़ सारी कीज़ नहीं मिलती अपने को, जैसे कि एक की नहीं मिली अपने को फ़ोन स्टार्ट करने वाली। तो ठीक है भाई, करते हैं बंद कंट्रोलर को, वापस इस पर आते हैं और भाई देख लेते हैं यार पूरा मिशन करके क्या क्या दिक्कत आने वाली है इसमें। तो यार देखो, स्मूथनेस तो काफ़ी सही लग रही है मुझे, 60 FPS है भाई फुल, देख ही सकते हो यार 60 FPS है। बस थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है खेलने में भाई, कंट्रोलर से खेला है या फिर कीबोर्ड से खेलते हैं तो अलग ही फील आता है, इससे भी सही फील आ रहा है, मतलब सही है खेल बस थोड़ा, लेकिन क्या ही बोल सकते हैं भाई। देखते हैं, कलेक्ट द कैश, ये वाला मिशन तो यार आपने देखा ही होगा मेरे हिसाब से, तो जो जो बंदा GTA का फ़ैन है भाई, ये मिशन तो यार सबको पता ही होगा क्या सीन रहता है इसमें, माइकल के साथ क्या होता है, ट्रेवर के साथ क्या होता है, तो सारे सीन तकड़े हैं। ये देखो भाई, ये माइकल, माइकल के साथ खेल करना चाह रहा है भाई पुलिस मैन, पर इसको पता नहीं भाई ट्रेवर सामने खड़ा है। ट्रेवर, ये देखो भाई, अब भी दिक्कत आ रही है इसमें कंट्रोलर में, तो दोबारा से भाई कंट्रोलर लगाना पड़ेगा एक बार और, इसको चेंज करते हैं। ठीक है भाई, तो यार देख सकते हो इसमें या तो चेंज करना हो प्लेयर अपना, या फिर उसके अलावा पहली वाली दिक्कत जो आई थी वो आपको पता ही है, तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही हैं खेलने में इस कंट्रोलर के साथ। पर अगर आपके पास एक्सटर्नल कंट्रोलर है अगर, तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि एक्सटर्नल है तो फिर क्या ही टेंशन भाई, एक्सटर्नल से खेलो। पर भाई मैं इससे खेल के दिखा रहा हूँ, जिससे इसका एक्सपीरियंस ले सके मोबाइल में GTA 5 किस तरीके से खेल सकते हैं। गेट द कवर, यार ये तो पता ही है, इसमें क्या ही बताओगे, सब पता है ये वाला सीन। ये देखो भाई, माइकल पटाखा, अच्छा माइकल नहीं है, तीसरा बंदा है अपने साथ। अच्छा यार, तीसरा बंदा फ्रैंकलिन थोड़ी होता है इस मिशन में, तो ये कोई और ही बंदा है। अच्छा, शटर का स्विच ऑन करना है, कर देते हैं इसको भी। वैसे लग सही रहा है भाई, इतना बड़ा गेम फ़ोन में और फ़ोन में खेल रहे हैं भाई, अलग ही सीन है। कवर, देखो भाई पुलिस आ चुकी है, तो भाई ये मत सोचना कि ये जो इतना तगड़ा मतलब शूट हो रहा है, एम जो जा रहा है, ये एम असिस्ट लगा रखा है, इसी वजह से एम भाई बंदों पे डायरेक्ट जा रहा है, वरना भाई इतना तगड़ा तो कोई भी नहीं खेल सकता मोबाइल में कि एम डायरेक्ट बंदों पे कर दे। तो ये एम असिस्ट की वजह से बंदे मार पा रहे हैं हम, वरना भाई वैसे नहीं मार पाओगे, मतलब वैसे यार मैं क्या, कोई भी नहीं मार पाएगा वैसे इसमें भाई, नहीं हो पाता उस तरीके से। अब पबजी तो है नहीं भाई, ये ज़ायरो करके खेल लो, इसमें ज़ायरो वाला सीन तो है नहीं, इसमें जो कैमरा एंगल मिलता है, मैं RS से कैमरा एंगल मिलता है, तो उससे शूट करने में दिक्कत होती है, इसलिए भाई एम असिस्ट जिंदाबाद, एम असिस्ट सही चीज़ है भाई। ये देखो कभी कभी वर्क भी नहीं करता भाई, देख लो कहाँ जा रही है गोली और मैं मारना कहाँ चाह रहा था। ये देखो ये सीन हो जाते हैं भाई इसमें,
अरे मर जा भाई, किधर छुपाया यार ये बंदा। हाँ चलो गया है, बहुत सही। बैंक ऑफ लिबर्टी, बैंक ऑफ लिबर्टी है भाई ये वाला बैंक। ये देखो आपने देखा ही होगा गाड़ी के पीछे लिखा हुआ बैंक ऑफ लिबर्टी, बहुत सही। गया है, ओ भाई साहब ये देखो भाई खेल कर दिया। अपना ट्रैवर मर चुका है भाई, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, दोबारा जिंदा कर देंगे ट्रैवर को। और ये देखो भाई जिंदा भी अपना ट्रैवर हो चुका है। तो एम असिस्ट यार सही वर्क कर रहा है, मतलब कभी कभी दिक्कत भी हो जाती है पर फिर भी मज़ा तो आ रहा है भाई खेलने में। पर थोड़ा सा यार उसको देख सकते हो ना ग्राफिक्स वगैरह अगर देखो तो इतना ज़्यादा क्लियर नहीं चमक पा रहा जितना मतलब होना चाहिए क्लियर, थोड़ा ब्लर ब्लर हो रहा है, बाकी तो सीन सही लग रहा है। अरे कहाँ रह गया भाई ये बंदा, कहाँ खप गया हमारा। चलो टी उड़ा देना सारे बंदे को, गन तो यार अपने पास ये की है, इसी गन से खेल करना है। वैसे भी बंदे इतने हार्ड तो है नहीं भाई, पहले ही मिशन है। और पता नहीं भाई इसमें इतना भारी क्यों लग रहा है मिशन, क्योंकि मुझे लग रहा है भाई गन नहीं चलानी आ रही इसमें, और एम असिस्ट है तो खुद ही खुद भाग रहा है ये। चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ऑलमोस्ट पहुँच ही चुके हैं अपनी गाड़ी के पास। अच्छा दो गाड़ियों और आ रही है पुलिस की, देखो नीचे मैप है, मैप भी देख सकते हो, मैप वगैरह का भी सीन भाई पूरा यार से वही है GTA 5 है भाई, कुछ मोड वगैरह वर्जन नहीं है। अब तो यार पता चल ही गया होगा आपको, इतना ही चलता है वो मोड वाला जो होता है, हो जाए उसमें बाहर आने पर ख़त्म हो जाता है गेम। तो ये कोई मोड वगैरह नहीं है भाई, फुल स्टोरी है GTA 5 की और पूरे अच्छे से खेल सकते हैं मोबाइल में। पर भाई देखो इतना फील नहीं आ पाएगा मोबाइल में, और अगर खेलना भी है तो एक्सटर्नल कंट्रोलर की मदद से खेलो तो ज़्यादा बेहतर है। इससे भाई अभी तक मैंने खेला है तो कुछ मतलब फील आ नहीं पा रहा जैसा आना चाहिए। पर कोई दिक्कत नहीं यार, गाड़ी और ड्राइव करके देख लेते हैं गाड़ी ड्राइव करने में क्या फील आएगा इसमें, देखते हैं। ये देखो भाई चेसिंग सीन है, जिसने देखा हो भाई बताओ चेसिंग सीन है GTA 5 का, बहुत सही। ये गया भाई बंदन का तीसरा वाला, बहुत सही भाई। चलो भाई फाइनली ड्राइविंग अपने हाथ में आ चुकी है। RT से भाई ड्राइव होती है और LT से ब्रेक लगता है, बाकी लेफ्ट राइट का तो ये LS वाला सीन है सही, बाकी एक्सेलरेट होती है RT से। देखो लिखा भी आ रहा है LT से होल्ड करने पे ब्रेक लगता है, तो पता ही होगा यार सबको क्या बता रहा हूँ मैं भी। देखो यार गाड़ी वगैरह सब सही चल रही है अभी तक, मोड़ा तो नहीं ना भाई, तो पता नहीं किस तरीके से मुड़ेगी है। अच्छा फाइनली, हाँ भाई देखो थोड़ी दिक्कत है मोड़ने में, समझ ही सकते हो भाई, देखा ही आपने देख सकते हो थोड़ी दिक्कत है मोड़ने में। मतलब इसके कंट्रोलर्स अगर उस तरीके के हों जैसे आपने सैन एंड्रियास खेला है मोबाइल में तो उस तरीके के कंट्रोलर ज़्यादा अच्छे रहते हैं यार मोबाइल के गेम के लिए, पर ये वाले कंट्रोलर भाई क्या ही बोल सकते हैं। पर यार इसमें फंक्शन भी कुछ ज़्यादा ही है तो कंट्रोलर तो इसमें ज़्यादा देने बनते हैं, पर फिर भी भाई पूरा कंट्रोलर्स नहीं है इसमें, कुछ कुछ मदद एक्सटर्नल कंट्रोलर से लेनी पड़ जाती है। चलो भाई ये देख लो भाई बंदे आ रहे हैं मस्त मौज में, लो भाई गया माइकल, लगेगी माइकल लगेगी। ये ओ भाई ये देखो लगी माइकल को, खतरनाक है भाई। स्टार्टिंग में जब खेला था यार इसमें अलग ही फील आया था, और इसका स्टोरी मोड तो बॉय मतलब जो हम खेल रहे हैं स्टोरी मोड ही खेल रहे हैं वैसे हम, इसको पूरा एंड करने में बहुत मज़ा आता है। मैंने 3-4 बार किया इसका एंड, पर भाई फिर बाद में बोर ही लगने लगता है कितना स्टोरी मोड खेलोगे। चलो बहुत सही ट्रेवर, क्या कहाँ मारने में लगते हैं यार, चलो स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। वैसे भी यार इसमें मारने में फील नहीं आ पा रहा क्योंकि एम असिस्ट है तो कुछ ऐसी सीन है, तो निकलते हैं यार इधर से सूम में, छोड़ देते हैं इनको, ड्राइवर छोड़ो। ये देखा भाई ब्लास्ट जो हुआ काफ़ी सही लगा था, ठीक है निकलते हैं यार इधर से स्टोरी कंटिन्यू करते हैं, चक्कर में नहीं पड़ते। ये देखो भाई ये सीन है, वो ये सीन तो यार ऑलमोस्ट सबने देखा ही होगा, वैसे भी यार ये सीन तो यही तो सीन है इसका, ग्रेव वाला सीन आने वाला है। लो भाई ट्रैवल निकल चुका है, ट्रैवल निकल चुका है भाई। अच्छा वैसे यार ये पकड़ भी सकते थे इसको ट्रैवल को अगर लॉजिक देखा जाए,
पर भाई क्या ही कर सकते हैं नहीं पकड़ा, स्टोरी भी तो आगे बढ़ानी थी, तभी तभी छोड़ दिया। ये देखो भाई इस सीन की बात मैं कर रहा था, बहुत आइकॉनिक सीन है भाई इस गेम का। और ये वाला मिशन भी होता है जब भाई ट्रेवर देखना आता है माइकल जिंदा है मर गया। ग्रेव वैसे माइकल की है पर भाई माइकल मरता ही नहीं है भाई, जिंदा है बंदा वो, और जिंदा होने के बाद खेल करता है वो। ये देखो भाई ये इधर से छुप के देख रहा है, बीड़ी भी तो पीता है यार इसमें। हाँ ये देखो भाई, ये देखो भाई ये है गेम की स्टार्टिंग, बीड़ी पीता हुआ दिखाई दे रहा है बंदा खतरनाक खतरनाक माइकल खतरनाक। तो भाई ये देखो आपको पता चल ही गया हो आप, ये कोई मोडेड वर्जन नहीं है, ये ओरिजिनली ओरिजिनल वर्जन है और हम ओरिजिनली ये मोबाइल में खेल रहे हैं। तो भाई ये देखो स्टार्ट हो चुका है गेम, खतरनाक भाई खतरनाक है ग्रैंड थीफ ऑटो फिफ्थ यानी फाइव। तो ठीक है भाई वीडियो करते हैं दरिया, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।